हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मसाला मिर्च। ये बहुत इजीली बन जाती हैं और इन्हें बनाने के लिए किसी खास मसाले की भी आवश्यकता नहीं होती है। हमारे किचन में जो भी मसाले अवेलेबल होते हैं आमतौर पर उन्हीं से हम इन्हें बनाते हैं। आइए इन्हें बनाते हैं। मसाला मिर्चें बनाने के लिए मैंने इस साइज की 200 ग्राम मिर्ची ली है। अब इन मिर्चों को मैंने धोकर कपड़े से साफ कर लिया है। अब इन मिर्चों को मैं साइड से 6 स्लिट काट दूंगी। सभी मिर्चों को एक एक करके इस तरह से मैं स्लिट काट लूंगी। मेरी सारी मिर्चें साइड से कट चुकी हैं। इस तरह से मैंने इनमें शार्प नाइफ की हेल्प से स्लिट काट दिया है। अब इनमें हम मसाला भरेंगे। मसाले के लिए मैंने लिए हैं नमक आपके स्वाद अनुसार। वैसे नमक मैंने तो 2 टीस्पून लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ले सकते हैं। सौंफ लिया मैंने 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, राई पाउडर है ये, मस्टर्ड पाउडर ये भी मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। हल्दी इसमें हम थोड़ा कम डालते हैं क्योंकि हल्दी का ज्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है 2 टीस्पून। अब इस सारे मसाले को हम मिला देंगे। ये पूरा मसाला हमारी मिर्चों के लिए बनकर तैयार हो गया। अब ये मसाला हम एक एक करके सारी मिर्चों में भर लेंगे। ये मिर्चें खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं और बनने में भी बहुत कम समय लगता है। इसे बड़ी आसानी से कोई भी बना सकता है। इस तरह ये सारी मिर्चों में हमने मसाला भर लिया है। अब इनको हम पकाएंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। हम इसमें 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। जब इस तेल में अच्छे से धुआं उठने लगेगा तब हम इन मिर्चों को इसमें डालेंगे। हमारा तेल अच्छी तरह गर्म होने लगा है और इसमें से धुआं उठने लगा है। मस्टर्ड ऑयल को जब तक गर्म करते हैं इसका कलर चेंज ना हो जाए, नहीं तो तेल के खाने में स्मेल आती है। ये तेल में अच्छी तरह धुआं उठ रहा है। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे क्योंकि जब हम इसमें मिर्ची डालेंगे तो ये उछल सकती है। गैस की फ्लेम स्लो कर दी हमने। अब इसमें ये सारी मिर्चें हम डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला न जले और एक लिड से इसको ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही इसको पकने देंगे। इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार हम लिड उठाकर इन्हें चेक कर लेते हैं। ये मिर्चें लगभग हो चुकी हैं। अभी इन्हें हम 2 मिनट के लिए और पका देंगे। हमारी मिर्चों को पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं। अब हम इन्हें खोल कर देखते हैं इनकी क्या पोजीशन है। मिर्चें हमारी पककर तैयार हो चुकी हैं। कुछ इस तरह से दिखने लगी हैं। अब हम गैस की फ्लेम फुल करके इनको 2-3 सेकंड के लिए चलाएंगे ताकि सारा पानी सूख जाए। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारी मसाला मिर्चें बनकर तैयार हैं। इनको हम रोटी, परांठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।